मॉर्निंग क्लास लेट्स टॉक अबाउट WBC एंड प्लेटलेट्स। इससे जो है पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर जो है अपन ने बात की है RBC के बारे में। RBC के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लाइक इट इज़ हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के काम में आ रहा है। इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जा रहा है, जो है हीमोग्लोबिन कितना पाया जा रहा है ब्लड के अंदर ये भी बात की है। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर कंसिस्ट हो रहा है ये भी अपन ने बात की है। इसके अलावा RBCs कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, फीटल स्टेज के अंदर कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, अडल्ट से बच्चों के अंदर कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ओके साइट क्या कौन सी है जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और जो है लाइफ स्पान कितना होता है, ये सारी चीज़ें जो है अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी। अब अपन बात करते हैं WBC की, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट बीसी एंड देन फर्दर विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट बीसी। ओके सो वी गोना टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। White blood cells, white blood, WBC की जो फुल फॉर्म होती है that is white blood corpuscles। इनकी जो फुल फॉर्म होती है that is white blood corpuscles and इनके अंदर जो इनका जो दूसरा नाम है that is leukocyte। Another name of WBC is leukocyte। ये colorless होती है, we can say इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई pigment पाया नहीं जाता है, इनके अंदर pigment नहीं पाया जाता है, so we can say these are colorless। इसके अलावा इनके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, दीज आर न्यूक्लिएटेड। आप लोगों के दिमाग के अंदर जो है ये डाउट आ रहा होगा कि सर जो है आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि कार्पसल्स का मतलब होता है न्यूक्लियस नहीं होना। आई वॉज ऑल्सो सीइंग देर आर सम सर्टन ऑर्गेनल्स दो विल एब्सेंट जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, ER। अगर वो भी एब्सेंट है साथ में न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, दैट सिचुएशन और दैट इज नोन एज कार्पसल्स। इसके अंदर केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा वो भी अभी क्या है एब्सेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये कितना पाई जाती है ब्लड के अंदर, कितना इनका काउंट होता है ब्लड के अंदर। इनका काउंट होता है लगभग 7000 पर क्यूबिक mm। दियर काउंट इज 7000 क्यूबिक पर mm। इनका जो लाइफ स्पान होता है दैट इज 4 to 5 डेज से लेके मंथ्स तक होता है इनका। कुछ जो है WBC बहुत ही जल्दी डेड हो जाती है, कुछ WBCs को डेड होने के लिए बहुत सारे जो है टाइम लगता है। ओके इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्शन। जो WBC का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। जिस तरीके से RBC की प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, सेम उसी प्रकार से WBC की प्रोडक्शन को बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। जो इसकी प्रोडक्शन की साइट होती है दैट इज बोन मैरो। कहाँ प्रोड्यूस होती है ये? बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ये लिम्फ टिश्यूज के अंदर भी प्रोड्यूस होती है। दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूसेस इन लिम्फ टिश्यूज। सम सर्टेन टाइम इट इज आस्क्ड दैट वेयर आर WBCs प्रोड्यूस्ड, देन आंसर विल बी बोन मैरो एंड लिम्फ टिश्यू। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लड के अंदर जो है मूव होती रहती है, वेसल्स के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, जिसको बोलते हैं जो मूवमेंट इनके अंदर पाई जाती है दैट मूवमेंट इज अमीबोइड मूवमेंट। What type of movement is found in WBC? That is amoeboid movement. Okay, इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। WBC के अंदर जो है प्रोटीनियस ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। WBC का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। उन ग्रेन्यूल्स के बिहाफ पे WBC को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। WBCs are differentiated into two categories. Number one is granulocytes, जिनके साइटोप्लाज्म में क्या पाई जा रही है, ग्रेन्यूल्स पाई जा रही है। वी कैन से साइटोप्लाज्म जो है थोड़ा विस्कस है, कंसंट्रेट है। व्हाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। सेकंड है ए ग्रेन्यूलोसाइट। अगर WBC के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीनियस ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जा रही है देन इट इज नोन एज, देन दीज WBCs आर नोन एज ए ग्रेन्यूलोसाइट। ओके ग्रेन्यूलोसाइट जो है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल लोब्स से मिलके बना होता है। सपोज दैट दिस इज द सेल, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है, बट इफ दिस न्यूक्लियस इज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लोब्स, अगर ये न्यूक्लियस जो है मल्टीपल लोब्स से मिलकर कंसिस्ट हो रहा है तो इस वाले स्टेज को या फिर ऐसी ग्रेन्यूलोसाइट के लिए जो है एक अलग ही नाम दे दिया गया है, दैट इज पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ग्रेन्यूलोसाइट। सो वी कैन से जो न्यूक्लियस होता है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, डिफर होता है। पॉली मतलब कि वैरायटीज ऑफ, मॉर्फो इन द सेंस मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लियर इन द सेंस न्यूक्लियस, मतलब कि जो ग्रेन्यूलोसाइट है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स, इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट
लोब्स ही अलग अलग लोब्स से मिलकर बना होता है, जो आगे चलकर जो है अपन ग्रैनुलोसाइट की क्लासिफिकेशन के अंदर देखने वाले हैं। ग्रैनुलोसाइट जो है बेसिकली तीन टाइप की होती है, नंबर वन इज न्यूट्रोफिल्स, नंबर सेकेंड इज बेसोफिल्स एंड नंबर थर्ड इज एसिडोफिल्स। ओके, जो न्यूट्रोफिल्स है इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन को ले लेती है। द ग्रैनुलोसाइट्स दो आर एबल टू टेक बोथ द स्टेन्स लाइक एसिडिक एंड बेसिक, दो आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। ओके, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 to 7 लोब्स। तो अपन बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है किसके अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ये 2 to 7 लोब से मिलकर कंसिस्ट होता है। इसके अंदर 2 लोब्स भी पाई जा सकती हैं, 3 भी पाई जा सकती हैं, 4 भी पाई जा सकती हैं, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ओके, इसके अलावा ये जो है WBC का लगभग 60% पोर्शन बनाती है। वी कैन से WBC के अंदर 60% क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो इनका लाइफ स्पान होता है, द लाइफ स्पान इज 10 to 12 hours, दे ओनली सर्वाइव फॉर 10 to 12 hours। इसके बाद में जो है इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड एवरीबडी नो दिस थिंग दैट द डिस्ट्रक्शन इज टेकिंग प्लेस इन स्प्लीन, दैट्स व्हाई द स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड। इनका जो डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन के अंदर होता है, इसीलिए जो है स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 to 7 लोब्स, 2 to 7 लोब्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके बाद में देयर इज अ न्यू टर्म दैट इज डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अपने चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वहां से जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है। बट जस्ट वंस थिंक, एक बार आप सोचिए कि ब्लड तो ब्लड वेसल से बाहर निकल ही नहीं रहा है, फिर जो है ऑटोमेटिकली ब्लड की क्लोटिंग कैसे होने लग जाती है, या फिर कोई भी अपने जो है बॉडी डिजीज से सफर कर रही है तो डिजीज से फाइट किस तरीके से करती है WBC। इन एक्चुअल जो भी पार्ट अपना जो है डिजीज से सफर कर रहा है, इन दैट पार्ट जो ये न्यूट्रोफिल्स है ये ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन को पार करके उस जो है पार्ट तक पहुंच जाती है। सपोज दैट देयर इज फीवर इन माय ब्रेन, मेरे ब्रेन के अंदर फीवर हो रहा है, उस वाली सिचुएशन के अंदर जो है WBC कंसंट्रेशन जो है ब्रेन के अंदर ज्यादा हो जाएगी। बट हाउ द WBCs आर रीचिंग टू द ब्रेन, एक प्रोसेस है दैट इज डायपेडेसिस। डायपेडेसिस के अंदर क्या होता है कि WBC जो है अपनी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑटोमेटिकली इस पार्ट तक पहुंच जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस। ओके, बेसिकली फाउंड दिस प्रोसेस इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ WBCs। जितने भी टाइप के अपन WBCs पढ़ने वाले हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, हर किसी के अंदर ही पाई जाती है। इसके बाद में अपन सेकंड बात करते हैं बेसोफिल्स। ऐसी जो है ग्रैनुलोसाइट जो बेसिक स्टेन को लेती हैं, कौन से स्टेन को लेती हैं, बेसिक स्टेन। आपको पता ही होगा स्टेन जो है 3 टाइप के होते हैं, मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक और मे बी न्यूट्रल। ओके, जो बेसिक स्टेन को लेती हैं दोज आर नोन एज बेसोफिल्स। ये जो है WBC का 0.5% पार्ट बनाती है, दे आर मेकिंग 0.5% पार्ट ऑफ द WBCs। दियर न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। इनका जो न्यूक्लियस है वो 3 लोब से मिलकर कंसिस्ट हो रहा है। इनका जो लाइफ स्पान है दैट इज 8 to 10 days। वी कैन से ये अपनी बॉडी के अंदर 8 to 10 दिन तक सर्वाइव करती हैं। इसके बाद में स्प्लीन के अंदर जाके इनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी। ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जहाँ पे भी कहीं भी अपनी अपने जो है बॉडी का पार्ट एलर्जी से सफर कर रहा है, इट मीन्स बेसोफिल जो है दे विल इंक्रीज इन द नंबर, दे विल फाइट अगेंस्ट द एलर्जी। थर्ड वी विल टॉक अबाउट एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो एसिडिक स्टेन को ले रहे हैं। कौन से स्टेन को ले रहे हैं, एसिडिक स्टेन को ले रही है। Those WBCs are known as acidophils, and this is the third type of granulocyte. Okay, it is consists of 2 lobes. ये कितनी लोब से मिलकर बना हुआ है, 2 लोब से मिलकर बना हुआ है। इसका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है 14 hours. It means these are surviving only for 14 hours. After that they gonna die. उसके बाद में जो है ये मर जाती हैं, और ये जो है WBC का लगभग 2 to 3% पार्ट बना रही है। They are making 2 to 3% part of the WBC. That is all about granulocyte, जिनके अंदर granules पाई जाती हैं। Granulocyte का दूसरा नाम और है, that is polymorphonuclear granulocyte. In the short form abbreviation, these are also known as PMNG, polymorphonuclear granulocyte. Okay. इसके बाद में हम बात करते हैं agranulocyte. ए ग्रैनुलोसाइट जो है इनके जो साइटोप्लाज्म होता है वो डाइल्यूट होता है, किसी भी प्रकार के प्रोटीनियस ग्रैन्यूल्स इनके अंदर पाई
नहीं जाती है, ऑलराइट। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो है इनके अंदर बहुत स्पेशल है, दैट इज कि इनका जो न्यूक्लियस है इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लोब, और वी कैन से न्यूक्लियस को जो है लोब्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर रखा है, इसका जो न्यूक्लियस है उसको लोब्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर रखा है, इट इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ लोब्स, दिस इज अ सिंगल स्ट्रक्चर, ओके। द एग ग्रैनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये जो है दो टाइप की होती है, नंबर वन इज मोनोसाइट्स एंड नंबर सेकंड इज लिम्फोसाइट, ओके। मोनोसाइट जो है ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है एंड दे आर मेकिंग ऑलमोस्ट 5% पार्ट ऑफ द डब्ल्यू बी सी का 5% पार्ट बना रही है, और इम्यूनिटी के अंदर जो है मोनोसाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जहाँ पे भी जो है कहीं भी अपनी जो बॉडी का पार्ट है डिजीज से सफर कर रहा है वहाँ पे जो है ये ह्यूज इन नंबर हो जाती है, साइज के अंदर भी थोड़ी एनलार्ज हो जाती है, इन दैट सिचुएशन दीज आर ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट, इनको जो है फैगोसाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि डिजीज से मेनली जो फाइट कर रही है दोज आर मोनोसाइट्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज फैगोसाइट्स। सेकेंड अपन बात करते हैं दैट इज लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर लगभग 20-30% पाई जाती है, दे आर मेकिंग 20-30% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा दीज आर ओवल इन शेप्ड, ये ओवल शेप्ड होती है और ये भी जो है कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का काम कर रही है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है, कलेक्टिवली भी ऐसा बोला जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी है उनका मेन काम होता है इम्यूनिटी या फिर वी कैन से फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये जो है इनका जो लाइफ स्पान होता है वो होता है लगभग 200 डेज, ये ऐसी जो है डब्ल्यूबीसी है जो लगभग मंथ्स ऑफ सर्वाइव करती हैं, महीनों भर सर्वाइव करती हैं और डिजीज से फाइट करती रहती हैं, मेनली जो भी एलर्जी होती है उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, जो भी इंटरनल इंजरीज या डिजीजेज हो जाती हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं लिम्फोसाइट्स। ये दो टाइप की होती हैं और इनका जो टाइप है वो मैच्यूरेशन की भी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रखा है, नंबर वन बी सेल्स, नंबर सेकेंड इज टी सेल्स। बी सेल्स जो है इनका प्रोडक्शन भी बोन मैरो के अंदर होता है, बट प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन दोनों बोन मैरो के अंदर होता है, जबकि टी सेल जो होती है इनका प्रोडक्शन तो बोन मैरो के अंदर होता है एंड मैच्यूरेशन थायमस के अंदर होता है, थायमस के अंदर ये मैच्योर हो रही है इसलिए इनको टी सेल बोला गया है, और ये बोन मैरो के अंदर मैच्योर हो रही है इसलिए इनको क्या बोला गया है बी सेल बोला गया है, ऑलराइट। दैट इज ऑल अबाउट लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट के बारे में था। देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लेटलेट्स, दीज आर थर्ड टाइप ऑफ ब्लड, दीज आर थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, ओके। ये कलरलेस होती हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, दीज आर वेरी लेस इन नंबर, नंबर के अंदर बहुत कम होती हैं, वी कैन से ऑलमोस्ट 300,000 पर क्यूबिक mm, और इनका जो लाइफ स्पान होता है दैट इज ऑलमोस्ट 5-7 days, 5-7 दिन तक सर्वाइव करती हैं। प्रोडक्शन कहाँ पर होता है इनका, बोन मैरो के अंदर, सो वी कैन से ऑल द टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स आर प्रोड्यूसिंग इन बोन मैरो, लाइक RBCs आर प्रोड्यूसिंग इन बोन मैरो, WBCs आर प्रोड्यूसिंग इन बोन मैरो एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इन बोन मैरो। इनका जो फंक्शन होता है दैट इज ब्लड क्लोटिंग, ये कोगुलेशन के अंदर हेल्पफुल होती हैं, ब्लड को कोगुलेट करने का काम करती हैं, ओके। और WBC का फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना एंड RBC का फंक्शन होता है हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन और हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वंस अगेन वी गोना टॉक अबाउट WBC, फुल फॉर्म इज वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पसल्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस इट मीन्स नो पिगमेंट, न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनका काउंट जो है 7,000 पर क्यूबिक mm होता है, लाइफ स्पान 4-5 days से लेके मंथ होता है, प्रोडक्शन को जो है ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होता है, इसके अलावा लिम्फ टिश्यू के अंदर होता है, इनके अंदर जो मोशन होता है या फिर मूवमेंट होता है कौन सा होता है, अमीबॉइड, अमीबा की तरह ये मूव करती हैं। इसके बाद में इनको जो है दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स, वन इज ग्रैन्युलोसाइट, सेकेंड इज ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के अंदर जो है न्यूक्लियस मल्टीपल लोब से मिलकर बना होता है, इसलिए जो है ग्रैन्युलोसाइट को PM NG भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके। ये जो है तीन टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। इफ दे आर टेकिंग बोथ द स्टेन्स एसिड एंड बेस न्यूट्रोफिल्स, दे आर इफ दे आर टेकिंग ओनली बेसिक स्टेन्स बेसोफिल्स, इफ दे आर टेकिंग ओनली एसिडिक स्टेन नोन एज एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर 60% मेकिंग 60% पार्ट ऑफ द WBC, they survive only 10 to 12 hours and their nucleus is consisting of 2-7 lobes
एंड डायपेटासिस की स्पेशल प्रोसेस पाई जाती है इनके अंदर. डायपेटासिस इन द सेंस कि न्यूट्रोफिल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को पार करके भी जो है उनसे बाहर निकल जाती हैं, दैट इज डायपेटासिस. इसके अलावा बेसोफिल जो हैं दीज आर मेकिंग 0.5% पार्ट ऑफ डब्ल्यू बी सी कंसिस्टिंग ऑफ 3 lobes, सर्वाइव 8 to 10 days एंड मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी. एसिडोफिल जो हैं दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ 2 dear nucleus इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 lobes एंड दी सर्वाइव ओनली फॉर 14 hours एंड दे आर मेकिंग 2 to 3% पार्ट ऑफ डब्ल्यू बी सी. देन फर्दर वी गोना टॉक अबाउट ए ग्रैनुलोसाइट, दीज आर ऑल्सो नोन एज मोनो न्यूक्लियर ग्रैनुलोसाइट एम एंड जी. मोनो न्यूक्लियर ग्रैनुलोसाइट न्यूक्लियस इज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ 1 lobe. ये 2 type की होती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. मोनोसाइट जो है 5% पार्ट बनाती है एंड लिम्फोसाइट 20 to 30% पार्ट बनाती है. मोनोसाइट जो है वीन शेप्ड होती है, लिम्फोसाइट जो है ओवल शेप्ड होती है, और मोनोसाइट जो है दे सर्वाइव ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लिम्फोसाइट्स आर सर्वाइव फॉर 2 to 100 days. सो वी कैन से दे सर्वाइव फॉर मंथ्स. इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर ऑफ 2 types, बी सेल्स एंड टी सेल्स. बी सेल्स आर मेच्योर इन बोन मैरो एंड टी सेल्स आर मेच्योर इन थाइमस. सो दैट वॉज ऑल अबाउट WBC. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. सो कंपोजिशन अपना पूरा हो गया है. कंपोजिशन के बाद में अब अपन बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में. ओके, कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, किसने डिस्कवर किया, किस बिहाफ पे डिस्कवर किया. अब तक जो है अपन ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन को 2 type के अंदर डिवाइड कर रखा है वो पढ़ लिया है. ब्लड के कंपोजिशन के अंदर जो है अपन ने प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत देखा है. इसके अलावा RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप. ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.